हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीएससी ऑल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम ई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल जो है, इसमें नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन आपका आया है कोचिन रिपायर्ड लिमिटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोचिंग रिपायर्ड लिमिटेड का आपका जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है, कहाँ से आपको फॉर्म ऑनलाइन करने को मिलेगा। तो वीडियो बने रहे, वीडियो को पूरा देखना, जब भी आपको पता चल पाएगा कैसे आपको ऑनलाइन करना है, कहाँ से आपको ऑनलाइन करने को मिलेगा। उससे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, चैनल पर आना है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिव बढ़ता है। और जितना हो सके अपने भाई को सपोर्ट करना अपनी तरफ से। फिर आपको बताते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे आपको जो है ऑनलाइन करना है ये वाला फॉर्म। दोस्तों क्या करना है, इस वाली वेबसाइट पर जैसे आप आ जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कोचिंग साइंस लिमिटेड CSL, आपको नीचे आना है। 300 पद है इसमें, 23,300 से सैलरी स्टार्टिंग है और 24,800 के बीच आपकी सैलरी मिलने वाली है। 14 तारीख से स्टार्टिंग डेट हुई है, 28 तारीख इसकी लास्ट डेट रखी गई है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप जनरल OBC EWS से आते हैं तो आपको 600 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको 0 रुपये देने पड़ेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम आपकी एज तो है कोई नहीं है, और मैक्सिमम आपकी 30 साल रखी गई है। मिनिमम मतलब कोई भी नहीं है, कोई भी इसमें जो है अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट की बात करें तो 28 जुलाई 2023 के हिसाब से इसमें मांग रहा है। बाकी नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पे 300 जो है वर्कमैन यहाँ पे 300 वैकेंसी यहाँ पे कुछ दे रखा है दोस्तों। कौन सी वैकेंसी कितने में है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपना स्क्रीन पर। अब आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको इस वाले जो है लिंक पर आना है। इसका लिंक ये ऑनलाइन का है, इसको मैं डायरेक्ट आपको जो है दे दूंगा वीडियो के नीचे, आप डायरेक्ट आ जाना। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम आपको डालना है, अगर मिडिल नेम है तो दे सकते हैं, लास्ट नेम आपको डालना है। अगर आपका फर्स्ट नेम मिडिल नेम नहीं है, लास्ट नेम नहीं है, तो आपका जो फर्स्ट नेम है वही आपका लास्ट नेम आप डाल देंगे। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपको जेंडर चुनना है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, फिर से आपको मोबाइल नंबर देना है। दोबारा से अल्टरनेट नंबर है तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी देनी है, दोबारा से ईमेल आईडी देनी है। उसके बाद यहाँ पर टिक करना है और ये वाला कैप्शन यहाँ पर टिक करना है और इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर जैसे आप टिक करेंगे आपका सारा कुछ दिखा दिया जाएगा, क्या क्या आपने भराया। उसके बाद आपको सब पे इन पर टिक मार देना है। टिक मारने के बाद अब आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अब आपको यहाँ पे जो है आपको जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म आपको कहाँ से अप्लाई करना है, यहाँ से आपको गो टू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपना जो है आपका फॉर्म जो है आगे बढ़ जाएगा। और अभी आपको बताने वाला हूँ और आपको स्टेप बाई स्टेप कैसे भरना है। दोस्तों बिना गलती के आप भरना, जैसे मैं भर रहा हूँ वैसे ही आप जो है अप्लाई करना, ठीक है दोस्तों। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अब दोस्तों नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर मैरिड स्टेटन मैरिड है इन मैरिड है वो सिलेक्ट करेगा। उसके बाद पिताजी का नाम डालना है आपको, जो भी आपके पिताजी का नाम है। उसके बाद मदर का नाम डालना है अपनी। उसके बाद आपको पोस्ट नेम डालना है, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ पर चेक करेंगे। फिटर के लिए, मैकेनिक, पेंटर, इलेक्ट्रिशन, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर आप यहाँ पर जो है उसे सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों जौन सी भी आप यहां पर पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने इलेक्ट्रिशन कर लिया है। उसके बाद यहां पर दिखा दिया गया है आपको 10वीं पास होना चाहिए, प्लस आपको ITI NCI और नेशनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहां पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको डोमिसाइल जो है यहाँ पर देखना है, कहाँ के आप रहने वाले। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर एक ही पोस्ट आप जो है भर सकते हैं, दूसरी आपको पोस्ट नहीं भर सकते। उसके बाद यहाँ पर अपनी जो है कास्ट देखनी है, जौन सी भी आपकी कास्ट है। उसके बाद ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर नो करना है, यहाँ पे भी नो करना है। एक्स सर्विस मैन है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, उसके बाद आपसे ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है जो है कि आप यहाँ पे जो है इसको जो है काम कर रहे हैं CSL में, और आप कर रहे हैं तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद पूछ रहा है क्या यहाँ पर कोई जो है रिटायर हुआ है, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन जो है। अगर रिटायर हुआ है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। तीसरा ऑप्शन पूछा गया है क्या आप इसमें जो है अभी वर्किंग कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं इसमें।
अगर कर रहे हैं तो यस, नहीं तो आप पीछे नो करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद डाटा सब हो जाएगा। उसके बाद आपको एड्रेस डाल देना है अपना, जो भी आपका एड्रेस है। यहाँ पे आपको स्टेट, उसके बाद यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों पिन कोड डाल देना है आपका, जो भी आपका पिन कोड है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट और ये वाला एड्रेस सेम है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद आपको सेव एंड कंट्री, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल आ जाती है। सबसे पहले जो है आपको हाई स्कूल की डिटेल डालनी है, जैसे स्कूल का नाम डालना है आपको, कहाँ से आपने हाई स्कूल की है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है स्कूल, यहाँ पे भी यही ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप स्कूल का नाम डाल सकते हैं या स्टूडेंट प्लेस का नाम भी आप डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे तो स्कूल का नाम डालना है, उसके बाद यहाँ पे प्लेस लिखना है कहाँ पे आपका जो है कॉलेज है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो है कौन सी सन में आपने हाई स्कूल किया वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद सी जी पी है, ग्रेड है, वो आप यहाँ पे क्लिक करके, उसके बाद आप यहाँ टोटल नंबर डाल, कितने नंबर आया है वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं, और कितने में से आया है वो आपको यहाँ पे जो है फिल करेंगे। उसके बाद आपकी परसेंटेज इस तरह से आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे स्कूल का नाम भी डाल देना है, उसके बाद आपको प्लेस लिख देना है यहाँ पे, जो भी आपका प्लेस है। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आप इंटर की डिटेल छोड़ देंगे, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ कंपलसरी नहीं है। जिस पे स्टार लगवाया है वही आपका भरना अनिवार्य है। अब आपको आईटीआई की सर्टिफिकेट डालना है, जैसे आईटीआई आपको डालना है कहाँ से आपने किया है, स्कूल से। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्टूडेंट पासिंग फ्रॉम, कहाँ से आपने जो है पास किया है वो आपको डाल देना है। उसके बाद आपका रिजल्ट कब को घोषित हुआ था वो आप यहाँ पे जो है डाल देंगे, तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना जो भी मार्कशीट में हो। उसके बाद यहाँ पे यही रहेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका परसेंटेज है या सीजीपी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कितने मार्क्स आए हैं वो डालने हैं, उसके बाद टोटल मार्क्स आपके कितने आए हैं वो डालने हैं। उसके बाद आपकी परसेंटेज इस तरह से आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे अगर आपके पास डिप्लोमा की डिटेल है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ग्रेजुएशन की डिटेल है तो आप दे सकते हैं, और नहीं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं अगर आपके पास है। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है एक्सपीरियंस डालना है, एक्सपीरियंस कैसे डालना है वो आपको बता रहा हूँ। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में अगर एक्सपीरियंस लिया है, मांगा है, तो आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे देना पड़ेगा। सबसे पहले जो है यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ द, यहाँ पे ये पूछ रहा है आपने कौन सी कंपनी में जो है काम किया था, वो कंपनी का आपको यहाँ पर नाम डालना है। उसके बाद किस पोस्ट पर आपने काम किया था वो डालना है। उसके बाद स्टेट एंड सिटी का आपको नाम डालना है, कहाँ से कहाँ पर आपने किया था। उसके बाद एरिया आपको डाल देना है। उसके बाद आपको डेट, कब आपने सर्विस डेट मतलब कि स्टार्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि अभी भी आप जारी मतलब कि अभी भी आप कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो यस, नहीं तो आप इसे नो करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेने, ठीक है दोस्तों। अगर आप इसे यस करते हैं तो ये वाला ऑप्शन जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको एंड यहाँ पर अगर आप इसे यस करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ये वाला ऑप्शन, अगर नो करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आएगा, एंड एंड का ऑप्शन कब आपने एंड किया था, अगर आप यस करते हैं तो ये वाला हट जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपकी सैलरी कितनी थी वो आपको यहाँ पर डाल दिए नहीं है। उसके बाद आपको ये यहाँ पे सर्टिफिकेट इसका अपलोड कर देना है, तो फटाफट मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे, एक्सपीरियंस डाल के, उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस बन जाता है। अब आपको यहाँ पर तीन जो है स्टेट डालने हैं, केरला केरला, ये केरला का है, तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे तीन सेंटर आपको दे देने हैं। दोस्तों तीन सेंटर आप इस तरह से दे देंगे, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब आपको फोटो, साइन, 10वीं की मार्कशीट, आईटीआई का सर्टिफिकेट, आईटीआई की मार्कशीट और
कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट मतलब जाति का सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ आपको अपलोड कर देनी है। तो फटाफट मैं ये अपलोड आपको करके दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जो है सारी जो है चीज़ अपलोड कर दी है, फ़ोटो, साइन, 10वीं की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट और जाति जो है अपलोड, सारी चीज़ अपलोड कर दी है। अगर आपको चेक करनी है तो आप व्यू पे करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, एक बार आप जो है प्रीव्यू अपना चेक कर लेंगे, जब आपको लगे सब कुछ ठीक है उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह का एरर आ जाएगा। अभी आपको दोबारा लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह का जो है एरर आ रहा है अभी, तो आप पेमेंट कर लेना, पेमेंट करने में कोई भी इशू नहीं आएगा। दोस्तों अगर पेमेंट करने में कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज छोड़ सकते हैं। बाकी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना बता ही दिया, कैसे आपको फॉर्म भरना है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। और जितना हो सके अपने भाई को सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।